घर को स्वर्ग बनाने की ताकत आपके पास है। आप धाम बना सकते हो, वैकुंठ बना सकते हो घर को। घर में आनंद ही आनंद होगा, थोड़ा सा परिवर्तन बस हो जाए। बहुओं को अपना नहीं माना जा रहा है, सासू ससुर को पराया माना जा रहा है। कितनी बार कहते हैं तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा तुम्हारे का दुश्मन लगते हैं, ऐसे ही बोला जाता। मैं अपनी वृद्ध माताओं को भी कहूंगा, यदि इस घर में बहू को सम्मान है तो ही दिवाली की पूजा शुभ है। खाली कैलेंडर लटकाने से कुछ नहीं होगा। इसको हारी दुखारी बीमारी, बेटा बीमार हो जाए, अरे ले चलो अस्पताल, ले चलो ले चलो, बहू बीमार हो जाए, काढ़ा पी ले, कौशिक महाराज ने बताया था। ऐसा ना कीजिए। हिंसात्मक स्थिति को घर से बाहर कीजिए। आर कलयुग में सतयुग नाचेगा। फिर श्लोक बोल रहा हूं, धूतम पानम श्रिया सुना यत्र अधर्म चतुर्विदा। जहां घर में कलह है, लड़ाई है, झगड़ा, और मैं कहूंगा जिन घरों में कलह होता है, झगड़ा होता है, वहां यदि किसी की मौत भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। माता केकई के कलह ने अन्नदाता महाराज दशरथ के प्राण ले लिए। इसलिए घर का कलह, घर का झगड़ा कभी भी शुभ नहीं है। मुस्कुराते हुए रहिए। और देखो परिवार तो तब चलते हैं जब किसी ने कहा और किसी ने सुना। मेरे महाराज जी अपने प्रवचन में एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि चार बर्तन जहां पर हैं वो तो बजेंगे। परिवार तो तब चलते हैं जब पानी की लकीर लेके चलोगे, पत्थर की लकीर लेके चलोगे तो ये बिखर जाएंगे। एक कटोरे में पानी भरो, एक कटोरे में पानी भरो और उसके ऊपर उगली से ऐसे लकीर बनाना आगे आ गया। आप देखोगे आगे आगे लकीर बनेगी और संग ही संग पीछे पीछे मिटती जाएगी। जैसे फिर सुदर्शन चक्र घूमा, आप देखेंगे कि पानी पर आगे आगे लकीर बनेगी और संग ही संग पीछे पीछे मिटती जाएगी। जैसे पानी पर लकीर टिकती नहीं है, परिवार में भी यदि किसी ने कुछ कह दिया है वो हृदय में टिकना नहीं चाहिए, वो मिटना चाहिए, फिर देखो परिवार कैसे चलता है। जीवन में हिंसा नहीं, जीवन में सेवा का भाव। बुजुर्गों की सेवा करो, जीव जंतुओं की सेवा करो, आनंद देखो, फिर करो कुछ।